अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजा नदीम। आज बातें करेंगे वीवो के मोबाइल के बारे में, वीवो वैक्स के बारे में। आइए जानते हैं इसमें इसकी तस्वीरें लीक हो कर आई हैं। आइए जान लेते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। वीवो वैक्स के बारे में ये आपको बता दूँ, ये पहला वीवो का मोबाइल होगा, बिल्कुल बिजलेस मोबाइल होगा। आपको नीचे आपको बिल्कुल बिजली मिलते हैं, बिल्कुल कम ज्यादा बिजली मिलता है। ये देख सकते हैं आपको बिजली मिलता है, बिल्कुल बिजलेस आपको मोबाइल मिलता है। ये आपको वीवो ने ये काम किया है, बैक का जो कैमरा होगा वो देख सकते हैं फ्लिप होगा, बाहर आता है उधर बैक साइड में आपको कैमरा मिलता है, फ्लिप होकर बाहर आ जाता है। इस तरह का आपको कैमरा मिलता है। अभी तक उन्होंने बताया जो कैमरा होगा वो कितने मेगापिक्सल का होगा। जो फिंगर स्कैनर आपको डिस्प्ले में मिल जाता है, जैसे आगे नोकिया वीवो ने आगे काम किया है, अपने उसमें फिंगर स्कैनर आपको डिस्प्ले में दिया था, इसमें आपको डिस्प्ले में फिंगर स्कैनर मिलता है। ये देखेंगे जब लॉन्च होगा, अभी तक इसकी रूमर है, जब सामने आएगा रियल जब लॉन्च होगा तो फिर पता चलेगा ये क्या कमाल करता है। इस तरह का आपको मिलता है। अभी तक उन्होंने बताया जो बैटरी होगी, बैटरी कितनी mAh की होगी, जो सारा कुछ हो, जो रैम होगी, जो इसकी और चीज़ें होंगी वो कितनी कितनी होंगी, जो इसकी अभी तक की सारी चीज़ें सिर्फ ये तस्वीरें में जो लीक होकर सामने आएंगे। देख सकते हैं बिल्कुल बिजलेस आपको मोबाइल मिलते हैं। ये वीवो ये काम कर रहा है इस तरह का, देखते हैं तीर तो बड़े बड़े मार रहा है वीवो, देखते हैं क्या कमाल करता है रियल में जब इसको लॉन्च करेगा। तो वीवो वैक्स को वो देखेंगे जब लॉन्च करेगा। तो वीवो ने आगे भी कर दिया, फिंगर स्कैनर आपको डिस्प्ले में दे दिया है। ये इसमें डिस्प्ले में आपको फिंगर स्कैनर मिलता है, इसमें 3.5 जगह आपको मिलेगा। या कोई बताए एंड्रॉइड ओरियो आपको मोबाइल में मिलता है, इसमें एंड्रॉइड ओरियो आपको मिलेगा। ये तो मेरे पास आपके साथ कुछ चीज़ें, इसकी तस्वीरें लीक वगैरह देश का तस्वीरें आपको मिल जाती हैं वीवो वैक्स के बारे में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अभी तक आपने टीम टू को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर लें, लाइक अपने वीडियो को नीचे का लाइक भी कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद।